स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कर्नाटक में चुनाव प्रचार थम चुका है। 10 मई को कर्नाटक की जनता जब वोट डालने जाएगी तो किसके शब्दों को याद रखेगी? क्या वो बजरंग बली की जय करके ईवीएम का बटन दबाएगी, जिसकी अपील खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, या सोनिया गांधी की बातों को ध्यान में रखकर हाथ के निशान पर बटन दबाया जाएगा? कर्नाटक चुनाव का आखिरी दौर काफी धुआंधार प्रचार वाला दौर रहा। कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को पहले बजरंग बली वाला मुद्दा दिया और फिर सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान पर पीएम मोदी ने कांग्रेस की तुलना टुकड़े टुकड़े गैंग से कर दी। क्या पूरे चुनाव प्रचार में आगे दिख रही कांग्रेस की ये दो दांव, ये दो बयान चुनाव में भारी पड़ जाएंगे? क्या आखिरी दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने माहौल बदल दिया है? आखिर कर्नाटक का कुरुक्षेत्र कौन जीत रहा है? इसी पर बड़ी बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कर्नाटक का चुनाव प्रचार सबसे एग्रेसिव कैंपेन रहा। कर्नाटक का चुनाव प्रचार सबसे धार्मिक चुनाव प्रचार रहा। कर्नाटक का चुनाव प्रचार सबसे ज्यादा गाली गलौज वाला चुनाव प्रचार रहा और कर्नाटक का चुनाव सबसे ज्यादा शिकायतों वाला चुनाव प्रचार रहा। मेरे को धमकी देते हैं, ये बीजेपी के लोग मुझे मारना भी चाहते हैं, पूरे खानदान को साफ करना चाहते हैं। अरे करो भाई, हम तो मरने के लिए पैदा हो गए। क्या कोई आदमी 200 साल जीता है? कोई 150 साल जीता है? अरे उम्र ही हिंदुस्तान में जो है 70-72 साल की है। मैं तो अब बोनस में जी रहा हूं, 81 साल है मेरे। अगर आप लोग मरवाना चाहते हैं तो मरो, मैं डरूंगा नहीं। मोदी जी की लोकप्रियता अमाप और अपार है और ये सीधी वोट में कन्वर्ट हो रही है। स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने मोदी शाह योगी की शिकायत अलग अलग बयानों को लेकर चुनाव आयोग से की तो बीजेपी ने खड़गे और सोनिया के कंप्लेंट दर्ज कराई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर चुनावी कैंपेन पर वार पलटवार हुए। कांग्रेस के खिलाफ जिन मामलों में बीजेपी ने शिकायत की उनमें भ्रष्टाचार का रेड कार्ड छपवाना, गाली और कर्नाटक की संप्रभुता पर सोनिया गांधी का बयान शामिल है। वहीं बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने धार्मिक नारा लगाने, कांग्रेस की जीत होने पर कर्नाटक में दंगा हो जाने और सांप्रदायिक बयान देने की शिकायत इलेक्शन कमीशन से की। कर्नाटक का चुनाव दिल्ली का फ्यूचर तय करने वाला चुनाव है। कर्नाटक का चुनाव कई चेहरों के सियासी वजूद का चुनाव है। लाइन और लेंथ तय हो चुकी है। नेताओं ने दाम खेल दिया है, अब बारी जनता की है। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह का एग्रेसिव कैंपेन हुआ वो बताने के लिए काफी है कि कर्नाटक के चुनाव नतीजे दिल्ली तक का भविष्य तय करेंगे। और इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत है आपका। अवनीश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, वो भी थोड़ी देर में आपको नजर आएंगे। और SS शंकरणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है JDS के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शहजाद आपसे ही शुरू करता हूं। आप लोगों ने कर्नाटक में बहुत काम किया, कर्नाटक में बहुत विकास किया पिछले इस सरकार के रेजिम में, बहुत सारे आपने काम गिनाए। लेकिन आपको फिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप लोग लास्ट में जाकर बजरंग दल, बजरंग बली और मुस्लिम आरक्षण और इन तमाम धार्मिक मुद्दों पर आपको आना पड़ा? देखिए, ऐसा है, पूरी कर्नाटका की जनता कह रही है ई बारी निर्धारा बीजेपी बहुमत आड़ा सरकारा, मतलब कि बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बन रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार ने 32 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया है, 32 लाख लोगों को वहां पर उज्ज्वला सिलेंडर मिला है, 48 लाख लोगों को टॉयलेट मिला है, 1 करोड़ लोगों को पेयजल मिला है, 2 से 9 एयरपोर्ट बने हैं, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे बना है, डबल हाईवे हुए हैं, STRR बन रहा है, सबर्बन रेलवे बन रहा है, ये सारे काम हम गिनवा रहे हैं। परंतु कांग्रेस की
इतनी हार से बौखलाहट है, कांग्रेस बौखलाई, पहले गाली गलौज पर उतर आई, जहरीला सांप कहना प्रधानमंत्री को, नालायक कहना, ये कांग्रेस ने किया। फिर आई बजरंग बली के खिलाफ, और मैं नहीं कह रहा हूं, रहमान खान ने कहा कि बजरंग बली के, जय बजरंग बली, अगर कोई हिंदू जय बजरंग बली बोलता है, यहां पे हिंदू, सारे हिंदू है पैनल पे, ये कहते हैं कि बजरंग बली के नारे से डर का माहौल पैदा होता है, इस पे भी कांग्रेस चुप रही। फिर एसडीपीआई को जाकर कहने लगी हमारे साथ राजनीतिक निकाह कर लो, निकाह फरमाओ, निकाह फरमाओ, ये जी परमेश्वरन ने कहा। और आखिरी में जब कोई दाव पेच नहीं चला तो सोनिया गांधी मैडम गई और कहने लगी कि जैसे हमने भारत को 47 में बांटा, वैसे कर्नाटका को भी बांटकर आजाद कर देंगे, कर्नाटका की संप्रभुता हमको वोट देने से मिलेगी। और इसका मतलब कि ये एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि ये मुस्लिम लीग का चुनाव करने का काम उन्होंने किया। ये नहीं किया तो बताइए कि मुस्लिम धार्मिक आरक्षण की बात किसने की, अंबेडकर जी का अपमान किया गया। और ये ट्वीट है, देखिए ये नीचे देख सकते हैं परंतु उनको ट्वीट देखना चाहिए। ट्वीट में लिखा है कांग्रेस विल नॉट अलाउ एनीवन टू पोस्ट थ्रेट टू कर्नाटकास रेपुटेशन। ठीक है, सॉवरेनिटी, अब सॉवरेनिटी का अंग्रेजी में मैंने अर्थ ढूंढा है, हमारे सर प्रोफेसर साहब भी वेबस्टर में सॉवरेनिटी का मतलब है कि जब कोई मुल्क आजाद होता है तब वो सॉवरन बनता है, वरना तो भारत ही सॉवरन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मुझे बताइए कौन सी सॉवरनिटी की बात, ये टुकड़े टुकड़े मानसिकता वाले लोग जिन्होंने बांटो और राज करो का पूरा थ्योरी चलाया, ये कश्मीर में भी 370 वापस बहाल करना चाहते, दिग्विजय सिंह ने कहा, आपने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्म के आधार पर बांटा, आपने कहा वो एसडीपीआई के पास जा रहे हैं, वो मुस्लिमों को आरक्षण दे रहे हैं, वो पीएफआई के लोगों को छोड़ने की बात करते हैं, वो बजरंग दल पर बैन की बात करते हैं, तो अगर वो धार्मिक बात करें, धार्मिक तुष्टीकरण करें, तो आपको उनकी लाइन पर जाने की क्या आवश्यकता, आपने तो काम किया है ना कर्नाटक में। मैंने तो आपको 5 मिनट पहले मेरे काम गिना है, ये एक भी नहीं गिना पाएंगे, एक गिना पाए तो बता दे कि हमने 2,25,000 करोड़ दिए डेवलपमेंट के, इन्होंने केवल 94,000 करोड़ दिए, हमने 56 किलोमीटर मेट्रो बनाई, इन्होंने सिर्फ 7 किलोमीटर बनाई। मैं इसलिए कह रहा हूं परंतु जब देश की बात होती है, जब राष्ट्र नीति की बात होती है, कर्नाटका को अलग करना, खंड खंड करना देश का, ये चुनाव की बात है ही नहीं, ये चुनाव से ऊपर राष्ट्र नीति की बात है। और इसलिए मैं आज पूछना चाहता हूं जो बटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए रोते हैं, जो आईसिस और अलकायदा के लिए खड़े हो जाते हैं, जो ओसामा जी कहते हैं, जो हाफिज सईद जी कहते हैं, जो उतर जाते 26/11 को पाकिस्तान की साजिश नहीं बल्कि भारत की साजिश बताने के लिए, आज क्या वो खंड खंड करना चाहते हैं। और मैं एक बात, बजरंग दल की बात छोड़ दीजिए, ये के रहमान खान का स्टेटमेंट है कि जय बजरंग बली बोलने से डर का माहौल पैदा होता है, अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी डिबेट में स्वागत है आपका। सीधा सा सवाल है, बीजेपी का एक डेलीगेशन अभी 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 चुनाव आयोग से मिलकर निकला है, संप्रभु कर्नाटक को संप्रभुता का वाला राज्य बताना या फिर कर्नाटक के लिए संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल करना, ये किस संदर्भ में किया गया और इसके मायने क्या थे? विवेक भाई कहते ना, झूठे ने झूठे से कहा कि सच बोलो। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप तो चूंकि एक अच्छे प्रस्तोता हैं, आप जरा इनसे पूछिए जो लोग वहां पर जा रहे हैं, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि उसका क्या नाम, ऐसा बोलने के किसी शब्द का कोई एक वीडियो हो जो उन्होंने बोला, सारा रिकॉर्ड किया होगा ना। मैं आपको चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी और संघ के अपने मित्र को चुनौती देता हूं कि ये कोई वीडियो निकाल करके दिखा दें उसका, आपको समझ में आ जाएगी, अगर वीडियो है तो दिखा दें, नंबर एक। अब ये दूसरी बात, ये कर क्यों रहे हैं? आज की डेट में इनका कोई मुद्दा नहीं चल रहा, पहले बजरंग दल की हमने बात करी तो ये बजरंग बली पर ले आए, इतने ज्यादा हताश निराश और ये क्या नाम नाहक गलत लोग हैं, अगर नालायक कहूंगा तो फिर गाली हो जाएगी। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि नाहक रूप से इतना कर रहे हैं, चूंकि कर्नाटक की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। कर्नाटक की जनता आज इनसे ये पूछती है कि भाई 5.5 लाख करोड़ का आपने डेप्थ क्यों किया है कर्नाटक में। कर्नाटक की जनता ये पूछती है कि जब 2.5 लाख बेरोजगार, 2.5 लाख पद खाली हैं, तो आपने रेट कार्ड एक दे दिया था, चूंकि लोग पैसा नहीं दे पाए इसलिए आपने 2.5 लाख पद खाली रखे। कर्नाटक की जनता ये जरूर पूछती है आपसे कि 1258 कारखाने यानी बड़ी कंपनियां आपने बंद क्यों की। कर्नाटक की जनता ये भी पूछती है आपसे कि कहीं ना कहीं जो 315% टूरिस्ट का डाउनफॉल हुआ है आपकी सरकार में, ये क्यों हुआ है। कर्नाटक की जनता ये भी पूछती है आपसे कि आने वाले समय में कि जो 800 गांव से ज्यादा महाराष्ट्र से सीमा से जुड़े हुए गांव हैं, वो सारे के सारे गांव में महाराष्ट्र की योजना क्यों कर नहीं, मोटी मोटी बात आप ये कह रहे हैं कि युद्ध छेड़ना चाहते हैं जी सुरेंद्र जी, मोटी मोटी बात आप ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का वेव है,
लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि एसडीपीआई से आपके नेता रिक्वेस्ट करते हैं भाई हमारा साथ देना, हमें वोट देना, फिर आपके नेता बजरंग बली की जय बोलने से डर का माहौल बनेगा, इस तरह के बयान देते हैं। तो जब इतनी हेवी एंटी इनकम्बेंसी वेव है जिससे पूरी की पूरी सरकार ही उड़ जाएगी, आप कह रहे हैं 140 सीट हमें आने वाली है, तो फिर आपको ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की सियासत पर जाने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है, क्या मजबूरी हो जाती है? मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस बात का विवेक भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सच बात यह है कि ध्रुवीकरण हम कतई नहीं कर रहे, नंबर एक। नंबर दो, एसडीपीआई का जो आरोप हमारे ऊपर लग रहा है, एसडीपीआई उन 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जो 16 की 16 हम जीतने वाले हैं, उस पर पूरी तरीके से हमको हराने के लिए एसडीपीआई वहां चुनाव लड़ रही है, और बाकी जगहों पे उसका स्टेटमेंट है कि जेडीएस और कांग्रेस को जिताओ, इसमें हमारी क्या गलती है आप हमको बताओ। 16 सीटों अगर एसडीपीआई हमें सपोर्ट कर रही है तो 16 सीटों पर सहजाद से कहिए हटवा दे उनको, एक बात। दूसरी बात, आप आ जाइए जो दूसरी आपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात की, हमने बजरंग दल की अगर बात की तो बजरंग बली पे लाने वाले प्रधानमंत्री इतने हताश प्रधानमंत्री, इतने निराश प्रधानमंत्री, और आज तो उन्होंने गला फाड़ दिया, आपने ऐसा लगा कि नस कट गई है उनकी। मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री आपने कभी देखा है जो हमेशा कहता रहा कि हमको गाली दी, हमको ताली दी, हमको ये किया, हमको वो किया? आप बता सकते हैं हमको ऐसा प्रधानमंत्री, रोता हुआ प्रधानमंत्री आपने कभी जीवन में देखा है? तो प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द कहते हैं तो उस बात का जिक्र तो करेंगे ना, वो कभी गाली गिन के खाते हैं आप लोग भी, आप लोग के नेता भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते हो, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहते रहते हो, फिर उसका वो इस्तेमाल करते हैं चुनाव में, तो आपको तकलीफ होती है भाई प्रधानमंत्री हताश। अच्छा, मैं आपके आरोपों का जवाब ले लेता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही, 5 सेकंड और दे दीजिए, जल्दी सिर्फ 5 सेकंड और दे दीजिए। हाँ, अभी प्रधानमंत्री के एक सबसे चहेता विधायक पद का उम्मीदवार है मणिकांत राठौर, उसकी ऑडियो क्लिप वायरल हुई, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलितों के सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पूरे एलिमिनेशन की बात कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी उसी को जिताने की बात कर सुरेंद्र जी, ठीक है ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं हताश है, निराश है, डरे हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें गाली पड़ती है, हमें गाली दी जाती है, आपके जो अध्यक्ष हैं वो भी मंच पर जाकर कहते हैं मुझे मारना चाहते हैं, तो आप अपने अध्यक्ष को भी कहिए वो हताश है, निराश है, डरे हुए हैं, वो भी रोते रहते हैं मंच पर जाकर के हमें मारना चाहते हैं, पूरे परिवार को साफ करने के, ये चुनावी हथियार ही आप भी जानते हैं। वो बिल्कुल नहीं रोए, हमने पुलिस में कंप्लेंट कराई है, नंबर एक, ठीक है, और उन्होंने मैं आप जवाब ले लेता हूँ, ठीक है शहजाद से मैं जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद अभिजीत जी और बाकी मेहमानों के पास में, ठीक है सुरेंद्र जी, शहजाद मैं जवाब दे सकता हूँ। रहमान खान का ऑन रिकॉर्ड बयान है, जय बजरंग बली बोलने से डर का माहौल पैदा होता है। बजरंग दल का विषय छोड़ दो, उसके ऊपर तो बहुत चर्चा होगी, ये नारे पे स्पेसिफिक जवाब। दूसरा, जी परमेश्वर का स्टेटमेंट है एसडीपीआई के साथ हमारा गठबंधन होना चाहिए, और जी परमेश्वर के अलावा एमबी पाटिल जो चुनाव कमेटी के कैंपेन चीफ है। तीसरा, जो मूल विषय है जिसके ऊपर शुरुआत की आपने, ये ट्वीट है सुप्रिया श्रीनेत, इनकी साथी प्रवक्ता, सोशल मीडिया हैंडल करती है, ये ट्वीट अब भी है। अगर ये शब्द नहीं कहे सोनिया गांधी जी ने, ये ऑडियो जो भी बात कर रहे हैं, ये ट्वीट है, मैं आपको अभी लिंक लाइव दिखा रहा हूँ, ये लाइव ट्वीट का लिंक है। राजनीति छोड़ देना, अगर ये वीडियो दिखा दो भाई तो ये वीडियो आपका काम है, हिम्मत है और हौसला है तो वीडियो दिखाओ सोनिया गांधी ने जो कहा। समय है ना, पर सोनिया गांधी ने समय मेरा है बोलने का, विरोधी मैं बोलूं, सोनिया गांधी ने कहा वीडियो भाई क्या बोली नहीं बोली वो आप तो कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पे कोई भी बयान चला देते हो, बताओ। एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत जी आपके कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर है ना जिसका जिक्र हो रहा है, माफी मांगे। अरे भाई साहब सुनिए तो सही, मैंने कहा मैं क्या कह रहा हूँ, एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड, लेकिन मैं आपसे जिम्मेवारी से मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पूरा भाषण मैंने सुना। अरे भाई दूसरा पक्ष तो आने दीजिए सुरेंद्र जी, यहाँ पे देखिए हम एक दूसरे के बीच में बोलेंगे, सुरेंद्र जी दूसरा पक्ष भी आने दीजिए, मेरे बोलने का जो ट्वीट है वो ट्वीट दिखाना चाह रहे हैं, एक बार देख लीजिए और देखिए मुझे लगता है जवाब दे दीजिएगा, डिबेट की मर्यादा का पालन दोनों तरफ से होना चाहिए, यदि केवल भाजपा मर्यादा पालन करती रहेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ट्वीट आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, दिखाइए आप।
मैं कह रहा हूं ये देखिए फिर से ये देखिए आपके पीसीआर को भी निर्णय सुरेंद्र राजपूत जी एक सेकंड वीडियो की बात नहीं हो रही ना कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ है जो भी कहना है वो लिखा हुआ है आप वो देखिए भाजपा के समय का अतिक्रमण ना करें भाजपा के समय का अतिक्रमण होगा तो अतिक्रमण हटाना मुझे आता है अरे भाई ये समय मेरा है मेरा समय बर्बाद हो रहा है ठीक है मेरा समय मुझे 30 सेकंड सुनिश्चित करके दे हाँ चलिए शुरू कीजिए देखिए मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ सुरेंद्र राजपूत का जो भी ऑडियो वीडियो है हमें ना दिखाए जाकर सुप्रिया श्रीनित और आईएनसी के सोशल मीडिया को दिखाए या कह दे कि आईएनसी के सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी का कोई भी बयान हो कोई भी लगा देता है तो उनको तुरंत रूप से लात मार देना चाहिए और भगा देना चाहिए अगर वो काम नहीं कर पा रहे या तो उनको शिकायत करनी चाहिए या तीसरा विकल्प है हमने जो अपनी ईसी को शिकायत दी है उसमें कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का ऑफिशियल ट्वीट के लिंक के साथ जिसमें लिखा है कि कांग्रेस विल नॉट अलाउ टू पोस्ट थ्रेट टू कर्नाटका सॉवरेंटी अब केवल आप मुझे इस ट्वीट का मतलब समझा दो मैंने तो सोनिया गांधी के वीडियो की बात ही नहीं की मैंने तो इस ट्वीट की बात सुरेंद्र जी इसका जवाब लूंगा बाकी मेहमान भी मेरे पास बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अवनीश जी क्या इस तरह की लाइन पर कर्नाटक का चुनाव जा रहा है क्या ये मानकर चले कि इसके बाद मैं शंकरनाथ जी आपके पास आ रहा हूं क्या ये मानकर चले कि अब वोट की तारीख नजदीक आते आते ये पूरा पोलराइजेशन की तरफ चला गया विवेक एक बात बड़ी साफ सी है मुझे अचानक ये जो विधानसभा चुनाव में या कभी कभी सेंट्रल ये तो राज्यों का मुद्दा है ये केंद्र का मुद्दा है आप एक बार बताइए राष्ट्रीय अखंडता राष्ट्रीय सुरक्षा क्या पूरे देश का मुद्दा नहीं है अगर किसी राज्य की विधानसभा ऐसे कानून पास करती है ऐसे नियम अपनाती है ऐसी नीतियां अपनाती है जिसकी वजह से सर तन से जुदा होता है जिसकी वजह से इस तरीके के वहां पे पीएफआई ने जिस तरीके का हंगामा किया है कांग्रेस निगम पार्षद थे वहां पे या विधायक थे उनके घर को जलाया जिस तरीके से तो ये क्यों नहीं राष्ट्रीय अखंडता क्यों नहीं विधानसभा में मुद्दा हो सकता क्यों नहीं हो सकता और आप एक बताइए पहली बार सॉवरेनिटी की बात नहीं हुई है पहले भी बयान आया था कि स्टेट ऑफ क्या यूनियन ऑफ स्टेट्स ये कहा था ना इस पूरे प्रकरण की एक पृष्ठभूमि है पूरी पृष्ठभूमि है विवेक जी बड़ी साफ सी बात है अब आपको कभी पहले कभी लगाया था सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ सब एक हो जाओ अब नहीं कहता ना कोई क्योंकि 9 साल बीजेपी ने शासन करके दिखा दिया कि उनकी नीतियों में उनके कहीं भी किसी भी क्रियाकलापों में कहीं भी किसी तरीके की कोई सांप्रदायिकता नहीं अब कोई सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ नहीं मोदी के खिलाफ एक हो जाओ संविधान के खिलाफ कौन सा काम किया है ये जब पूछेंगे तो कोई नहीं बता पाएगा वो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर बैठी है और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों जिसका हवाला देते हैं उसमें से उन्हीं जजों को आज ये इस भाजपा की सरकार का गुलाम बताते हैं ये भी देख लीजिए ये बात बड़ी साफ सी है कि कर्नाटक का चुनाव हो महाराष्ट्र का चुनाव हो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो इस देश में होने वाला विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो राष्ट्र की एकता सुरक्षा अखंडता पर होना चाहिए और होता है राष्ट्र के गर्व पर होना चाहिए इस बीच अवनीश जी सवाल ये भी है ना कि चुनाव जा किस ओर रहा है शंकरन्ना जी चुनाव किस ओर जा रहा है पीएफआई बनाम बजरंग दल मुस्लिम आरक्षण बनाम ओबीसी SC ST आरक्षण या फिर कुछ और एक बात बोल दूंगा कर्नाटक के लोग इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से तंग आ गए ये सिर्फ 15 दिनों से ये बात नहीं चल रही है पिछले 6 महीने से ये लोग तू मैं कर रहे हैं और किस आधार पर कर रहे हैं जाति के आधार पर धर्म के आधार पर आरक्षण के आधार पर लेकिन हमारे JDS के कुमार स्वामी जी है जो पंचरत्न यात्रा को कर्नाटक के हर एक गांव में लेके जा रहे हैं कर्नाटक के हर एक शहर में लेके जा रहे हैं और किसानों के बारे में बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं वो अकेले JDS पार्टी है भविष्य के बारे में आप दोनों जी शंकरन्ना जी आप दोनों पार्टियों की नीति की आलोचना कर रहे हैं आलोचना कर भी सकते हैं आपका लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन क्या आपकी इतनी सीटें आ रही हैं कि आप अकेले वहां पर सरकार बना ले और अगर इस मेजोरिटी के साथ आप आ रहे हैं कि किसी दल को सपोर्ट कर पाए तो हंग असेंबली में बैठेंगे अकेले रहेंगे या किसी के साथ जाएंगे किसी को तो सपोर्ट करेंगे पिछले बार कांग्रेस को किया था पूरा भरोसा है इन दोनों की मियां बीवी की झगड़ा देख के कर्नाटक के लोग HD कुमार स्वामी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे अच्छा आप मान के चल रहे हैं आप भी मेजोरिटी में आ रहे हैं मेजोरिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिंपल मेजोरिटी की बात कर रहा हूं HD कुमार स्वामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि लोग भी एक बार तो 5 साल रीजनल पार्टी को एक तो चांस देना चाहते हैं।
कुरुक्षेत्र में बहस लगातार जारी है कर्नाटक के मुद्दे को लेकर। कर्नाटक में अब मतदान में बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और इसी के साथ बयानों की बाढ़ सी भी आ गई है। सुरेंद्र जी, मियां बीवी वाली लड़ाई आपको कह रहे हैं जेडीएस के प्रवक्ता, पिछले बार आप इनके साथ सरकार में थे और इस बार भी कह रहे हैं सरकार में तो वही रहेंगे। देखिए, जेडीएस अपना क्या सोचता है, वो एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है और स्वतंत्र राजनीतिक दल को अपना चुनाव लड़ने की, अपनी बातें रखने की पूरी आज़ादी है। वो अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि किसी के ऊपर खामखा आरोप लगाएं। हमारा बड़ा अपना स्पष्ट है, चुनाव हम अपने मुद्दों पर लड़ रहे हैं। चुनाव में जो अभी अजनवेश जी ने बात करी, अब अजनवेश जी तो पढ़े लिखे इंसान है लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया इनको, अभी इन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट की बात कर दी। मैंने नहीं की यूनियन स्टेट, तो संविधान में लिखा हुआ है भैया, मैंने नहीं की। हमारे लिए नहीं आप बात कर रहे, यूनियन स्टेट तो अरे सुनो आप अब बीच में आप तो भले इंसान हो अजनवेश जी, हमारा आपका मतांतर है लेकिन मनभेद थोड़े है। तो यूनियन ऑफ स्टेट जो है बिल्कुल संविधान में लिखा, हम तो संविधान सम्मत बात करते हैं। दूसरी बात, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमें कुछ, हम तो अभी शहजाद साहब को, वो भी हमारे पुराने साथी हैं, उनसे हमने कहा कि अगर भाई सोनिया गांधी का भाषण तो नरेंद्र मोदी जी सहित पूरी भाजपा टकटकी लगा करके देखती है, एक एक शब्द उसका चुनती है, बुनती है, गुनती है, तो अगर उनका भाषण आपने रिकॉर्ड भी किया होगा, अगर उनके भाषण में वो शब्द हो तो आप हमें बता दीजिए। लेकिन आप लोग, क्योंकि आप गला क्यों फाड़ रहे हैं, आप लोग गला इसलिए फाड़ रहे हैं कि आपकी रोड शो में लोग नहीं आ रहे हैं, लोग चले जा रहे हैं सोनिया जी के पास, प्रियंका जी के पास, खड़गे जी के पास, और लोग चले जा रहे हैं राहुल गांधी जी के पास, इसलिए आप थोड़ा सा परेशान हैं। तो हम आपकी परेशानी समझते हैं, तो हम आपको बताते हैं, हम आपके लोगों को भी जो आपको वोट देंगे उनको भी 10 किलो राशन की बात करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम उनको भी देंगे, हम उनको भी नौकरी देने की बात करेंगे, अन्ना रसोई हम उनके लिए भी लगाएंगे। सुरेंद्र जी, चुनाव प्रचार खत्म हो गया, 3000 का जो बेरोजगारी, मैं ये कह रहा हूँ पहले चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन संप्रभुता वाले ट्वीट पर भी तो कुछ कह दीजिए, जो कांग्रेस के ऑफिशियल पेज पर है, वो शायद आपने देखा भी होगा। मैंने कहा ना, सुन लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कहाँ पर क्या लिखा है मुझे नहीं पता, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ आपको भी, ये तो चलिए तो बहुत बड़ी विडंबना है, चुनौती दे रहा था मैं, अब आपको भी, अरे सुन लीजिए ना, आप मुझे भी चुनौती दे दीजिए, ठीक बात है, सुन लीजिए, आप तो सरपंच हो हमारे जी, आप तो हमारे सरपंच हो, तो आप हमारी बात तो सुनोगे कम से कम, आप न्याय करोगे ना, मैं तो चुनौती देता हूँ सर, मैं कोई न्याय करने के लिए नहीं बैठा, मैं तो बस क्या नाम डिबेट को एंकर कर रहा हूँ, आप लोग अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं, सुनिए दैट्स इट जी सर, ये समय चलिए, तो मैं आपके चैनल से भी क्या नाम उम्मीद करूंगा कि उसको उठा लीजिए, सोनिया जी का भाषण उठा लीजिए, अगर उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया हो तब हमें बताइए। लेकिन आप लोग, चूंकि ये आप लोगों का मतलब भाजपा की बात कर रहा हूं, भाजपा वाले मूल रूप से हताश हो गए, निराश हो गए, हमारी योजनाओं से परेशान हो गए, 2.5 लाख लोगों को तुरंत नौकरी मिलने जा रही है इससे परेशान हो गए, बेरोजगारी भत्ता लोगों को मिलने जा रहा है इससे परेशान हो गए, वो परेशान हो गई 10 किलो अन्न सब लोगों को मिलने जा रहा है। तो अब आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी वाले लोग यहाँ पर है हताश है निराश, ठीक है, आप कह रहे हैं हताशा निराशा में, ट्वीट नहीं खेला इस तरह का बीच में है जी, इस तरह की बातें कही जा रही है, असल में ऐसा कोई बयान एग्जिस्ट करता ही नहीं। शहजाद पूनावाला, उसके बाद अवनी जी आपके पास आ रहा। मैं तो वापस से कह रहा हूँ कि ये ट्वीट आज भी उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर है, मैं तो सुरेंद्र जी के साथ ही हूँ, आइए सुरेंद्र जी दोनों मिलकर सुप्रिया सुनीत को अभी फोन लगा के आप सुना दो वो स्पीच सोनिया जी का, हो सकता है वो अंग्रेजी में ज़्यादा शिक्षित हो तो उनको हिंदी समझ में नहीं आएगी इस सोनिया जी की, आप ट्रांसलेट करके बताओ, आपका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे है, ये तो कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, तो जब तक वो है उसको कांग्रेस का अधिकृत बयान ना माने, क्या आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का सोशल मीडिया जो है वो अनाधिकृत है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए ये क्या कह रहे हैं कि संविधान सम्मत है, इन्होंने अभी प्रोफेसर साहब को भी बोला संविधान सम्मत है, तो कौन से संविधान में लिखा है कि स्टेट्स की सॉवरेनिटी होगी, कर्नाटका की सॉवरेनिटी किसी संविधान की किताब में लिखा है नहीं। और तीसरी बात, दोनों कांग्रेस और जेडीएस, हालांकि इनका रिश्ता देखिए, ये देखिए ये विवेक जी, मैं आपको 4 मिनट उनकी सुनता हूं, मिलकर एंकर को मत धमकाए चमकाए कीजिए प्लीज, एक सेकंड, मैं भाई मैं इनकी पूरी बात सुन रहा हूं, मेरे बीच में हमेशा वो बोलते हैं यार, सुरेंद्र जी सुन लेते हैं ना, वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं, दिखा दीजिए एक बार उनको, फिर आप फिर बोलिएगा कि मैं अपने हिसाब से बोलूंगा भाई साहब, बोलिए, अरे वीडियो दिखा देना, ट्वीट खेल रहे हैं विवेक जी, देखिए मैंने उनकी 4-5 मिनट बात सुनी, मेरा समय आया 30 सेकंड में, मेरे हस्तक्षेप हर बार आपकी डिबेट में होता है, आप तय करिए या तो मुझे बोलने का मौका ही ना मिले, सुरेंद्र जी वीडियो मांग रहे, ठीक है मैं या तो फिर चुप रहना बंद कर दूंगा आपके शो में, शाहजी
आप सुनिश्चित कीजिए कि मेरा मेरे फ्लो को क्यों तोड़ा जाता है बार बार इस डिबेट में, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये दूसरी बार हो रहा है भाई साहब। ठीक है बोलिए। देखिए मियां बीवी का किसका रिश्ता है और कौन सा रिश्ता वन पे वन फ्री है कि एक को वोट दिया तो दूसरा फ्री में साथ आ जाता है, ये हमने देखा है कर्नाटका में। एक कहते हैं कि हम ये करेंगे और दूसरा कहते हैं हम ये वादा करेंगे। दोनों ने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद रखा है कर्नाटका में। आज मुझे बता दे सुरेंद्र राजपूत जी, एक स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं, 2007 में महादाई के विषय पर सोनिया गांधी ने कहा था कि कर्नाटका को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट एज कांग्रेस प्रेसिडेंट था, क्या आप उसके साथ है? आप बता दीजिए कि आपने 5 वर्षों में यूपीए के कितना दिया था कर्नाटका का रेलवे में, 4,000 करोड़। आज हमने पिछले वर्ष केवल एक साल में 7,000 करोड़ दिया था, जिसकी वजह से सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रेलवे का हुबली धारवाड़ में है, हमने आईटी धारवाड़ बनाया। मैं आपको बता रहा हूं, आप एक तो काम गिनवाइए, हमने 10,000 रुपए प्रति किसान को दिया, 12,000 करोड़ रुपए किसानों को दिया, हमने एफआरपी जो है शुगर केन की 10,000 रुपए प्रति टन से बढ़ाई। पर मेरा सवाल आज केवल इतना है, क्योंकि विषय यह है कि यह ट्वीट आपका अधिकृत ट्वीट है जो आज भी आपके ट्विटर हैंडल पर है, हां या ना? अधिकृत ट्वीट है? सुरेंद्र राजपूत जी जवाब लेंगे, शंकर अन्ना कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अवनी जी आपके पास आ रहा हूं। शंकर अन्ना जी, पूना वाले जी, बहुत बहुत मजे से आप कलसा बंडूरी के बारे में बोलते हैं। कलसा बंडूरी जो मैटर है उत्तर कर्नाटक का मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट इधर बीजेपी था, सेंट्रल गवर्नमेंट इधर बीजेपी था, फिर इस बार भी आपने कलसा बंडूरी का मैटर सॉल्व क्यों नहीं किया? बल्कि इस बार के मैनिफेस्टो में भी आप लिखते हैं सॉल्व हो चुका है। आप अगर ध्यान देंगे, उत्तर भद्रा के लिए पैसा देना, उत्तर कावेरी के लिए पैसा देना, उत्तर कृष्णा के लिए पैसा देना, 13 इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए पैसा देना, पूरा कर लें दीजिए। पेपर में सॉल्व नहीं होना है, हमको खेत के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, अभी भी अटक के बैठा है कि फॉरेस्ट लॉ नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है। अब मैं हुबली से आता हूँ, कलसा बंडूरी के बारे में क्या बात? सुप्रीम कोर्ट में कुछ ने अटका के रखा है, बताइए जरा। और सोनिया गांधी का स्टैंड क्या था? बोलिए कि सोनिया गांधी से कभी रिश्ता नहीं करेंगे आप, बोलिए एक बार डिक्लेयर कीजिए। आप तो इक्वी डिस्टेंस है ना, बोलिए कांग्रेस से डिस्टेंस रखिए। ठीक है, एक एक करके शंकर अन्ना जी को पूरा करने दीजिए। आपके मुख्यमंत्री थे, आपके प्रधानमंत्री थे, आपके इसीलिए सॉल्व हुआ। जब पावर में रहते तभी तो आप कुछ नहीं करते, इलेक्शन के टाइम में बड़े बड़े लफ्जों में लिख देते मैनिफेस्टो में आप हमको। अरे भाई शंकरानंद जी, वो कह रहे हैं इस मैटर को सॉल्व कर दिया गया। नहीं सर, अभी भी फुल्ली सॉल्व नहीं हुआ है कलसा बंडूरी। अच्छा, मैटर फुल्ली सॉल्व नहीं हुआ। अब ये फुल्ली सॉल्व क्या होता है? नहीं, फुल्ली सॉल्व क्या होता है बताइए। एक बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका अवनी जी आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, दो चीजें अभी शहजाद भाई पुराने मित्र, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, कहा कि साहब हमने ये कर दिया, वो स्टेशन बना दिया, वहां इतने 10,000। अरे सब में 40% खाना था, आपको खा गए। सच बात ये, यही तो बात है कि आपका कॉन्ट्रैक्टर आपके ईश्वरप्पा या क्या नाम है उनका जो मंत्री है उनका नाम लेकर के, जो आपका ही ऑफिस बेरर था, फांसी लगा लेता, आत्महत्या कर लेता है कि मेरे से 40% की मांग की जाती है। और जनता तो कह रही 40% तो ऑफिशियल पे सीएम है, बाकी 20% और अंदर खा जाते, 60% की सरकार है आपकी। तो आप जो ये केंद्र से पैसा भेजते हो 60% तो पहले साइफन करते हो, तो इसलिए आप खाओगे, आप दोगे इसीलिए क्योंकि खा रहे हो आप। तो ये हम जनता से, आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए किसान का खाया है, आपने जो है क्या नाम स्कैम में जो 1.5 लाख करोड़ खींचा, जो बैक ब्रेकिंग प्राइजेस हैं उसकी आप उठा लीजिए, एलपीजी के क्या रेट हैं, गेहूं के क्या रेट हैं, बाकी चीजों के तेल के क्या रेट हैं, अगर आप उठा लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति आप देख लीजिए। यही ट्वीट कर देते संप्रभु है कर्नाटक का, क्यों ट्वीट किया? और ये ट्वीट करते ना सुप्रिया सिंह से, ये लोग कि एक एक करोड़ रुपया मांग रहे थे 2.5 लाख लोगों से, 2.5 लाख लोगों से एक एक करोड़ रुपया मांग रहे थे राजपूत जी। लेकिन आप कन्नड़ा प्राइड के ऊपर हम लाख सवाल पर आऊंगा, पर फ्लैग पर बॉर्डर पर रिसोर्सेज। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं फिर वही सवाल पूछूंगा, आप लोग कहते हैं मुद्दे बहुत हैं, फिर भ्रष्टाचार, रेट कार्ड, जहरीला सांप, नालायक बेटा, कर्नाटक की संप्रभुता, ऐसे मुद्दों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अवनी जी से एक सवाल ले रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। अवनी जी, विवेक जी, बड़ी साफ सी बात है, पहली बात तो ये कि आपने जो भीड़ दिखाई वो फेक थी। अभी सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि कोई भीड़ नहीं आ रही, आपने जिस तरीके की यहाँ पर अपने चैनल पे मोदी जी के रोड शो की दिखाई हैं, आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो झूठी तस्वीर थी या सच्ची तस्वीर थी? सुरेंद्र राजपूत झूठे हैं या आपका चैनल झूठा है? मुझे आज ये जवाब चाहिए, एक नागरिक के हैसियत से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो विराट जन सैलाब वहाँ फैला हुआ था, सुरेंद्र राजपूत झूठ बोले?
या आप झूठ बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप विवेक जी एक बात बड़ी साफ सी है, आपको ये बजरंग बली से जो नफरत की बात है वो कोई नई नहीं है। हिंदू आतंकवाद, सैफर आतंकवाद, आपको मालूम है कि राजस्थान में पीएफआई को मार्च निकालने की अनुमति मिलती है लेकिन रामनवमी के दिन धारा 144 लगा दी जाती है, हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकलने दी। इसका कोई आइसोलेशन में नहीं है ये बातें, ये हो रहा है। ये तमिलनाडु के, तमिलनाडु में इनकी ये है ना एलआई, वहां पे क्या हुआ, एक एक मंदिर में एक से क्या लेना देना। नहीं विवेक जी, आपने बहुत सारा टाइम दिया, अब सुन लीजिए, ये भी मुद्दा है, ये मुद्दा है, क्यों नहीं होना चाहिए कि तमिलनाडु के एक गांव का एक लोग कहते हैं कि हम यहाँ आपके मंदिर में ना घंटी बजेगी ना आरती बजेगी, हंस रहे हैं, देख लिए जब पकड़ी जाती है ना तो हंसते हैं। तो क्या हुआ, हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि नहीं आपको, आपको इस मंदिर में आरती आरती करने और घंटी बजाने का हक है। आप हमेशा परेशान रहते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जानबूझ कर दिया गया बयान है बजरंग बली बजरंग दल वाला, बिल्कुल जानबूझ करके, हनुमान जी की जहां पर जन्म स्थली है जी, ठीक वहां पर जी, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, बार बार आप ही पर आरोप लगते हैं, आप आपके लोग श्री राम के चरित्र को काल्पनिक बताते हैं, कहते हैं प्रभु श्री राम काल्पनिक है, राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, हलफनामा डालते हैं और बजरंग बली का विरोध करते हैं बजरंग दल का। ये तमाम आरोपों को बीजेपी निकालती है, एकजुट करती है और आपके ऊपर डाल देती है, लेकिन फिर भी ऐसे बयान लगातार आते रहते हैं जो हमेशा विवादों में होते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, और इस बार भी कर्नाटक के चुनाव में देख लीजिएगा, ये बजरंग दल वाला मामला इंपैक्ट करने वाला है ऐसा लग रहा है, ग्राउंड से ऐसी खबरें आ रही हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए विवेक भाई, बजरंग बली के नाम पर जो राजनीति करेगा, जो झूठ बोलेगा, छल करेगा, कपट करेगा, वो पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा, नरक का भागी होगा और बजरंग बली की गदा का भी भागी होगा। अपनी पार्टी को क्यों इतना गदा पड़ेगी उसको बड़ी तेज 10 तारीख को, और सुन लीजिए 13 तारीख को उड़ जाएगा वो। बजरंग बली के नाम पर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बजरंग दल और बजरंग बली अलग अलग चीजें, मेरे आराध्य हैं बजरंग बली, इन सबको के आराध्य भी नहीं है बजरंग। झारखंड में क्या हुआ था, राजस्थान में क्या हुआ था हनुमान जयंती के, पहले राम के नाम पर झूठ बोलते हैं और जब हम कर्नाटक की बात करते हैं तब कभी झारखंड पर आ जाएंगे, कभी राजस्थान पर, आपकी सरकारें हैं, अर्जेंटीना चले जाएंगे, आपकी सरकारें, इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों को परेशान, आपकी सरकार जहां है वहीं पर बोल रहा हूं, नहीं अभी जी एक करके हम आपको बाहर नहीं भेजेंगे, गिरिराज सिंह की तरीके से हम पाकिस्तान के वीजा मंत्री नहीं, हम आप और हम ना भारत क्या ना भाजपा मुक्त कर्नाटक की बात करेंगे। हाँ, हम चुनाव जीत रहे हैं, आप लोग परेशान हो इसलिए आप गैर जरूरी मुद्दे उठा रहे हो, इसीलिए आप जनता के 2.5 लाख रोजगार पर जवाब नहीं दे रहे हो, और प्रधानमंत्री जी इतना हताश निराश प्रधानमंत्री रोता हुआ मैंने कभी नहीं देखा। जवाब नहीं दिया, भीड़ वाला जवाब नहीं दिया ना विवेक, आपने दिया ना इन्होंने दिया, ठीक है सुरेंद्र जी सबसे बड़े जवाब ले लेते हैं। अरे भाई, हम तो आज तक आपको बड़ा नेता मानते थे, ठीक है विवेक जी, मैंने 3 स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे। एसडीपीआई के साथ गठबंधन की बात इनके दोनों नेता ने की, मैंने उसका तथ्य भी सामने रखा, अभी भी कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर ट्वीट, देखिए विवेक जी या तो फिर मैंने पूरा उनका सुना है, अभी हर बार मेरे बोलने पर 5 सेकंड में हस्तक्षेप, ये तरीका है क्या डिबेट का, बोल वो कहीं और ये नहीं होता मेरे साथ, एक सेकंड आप तय कर सुरेंद्र जी, ठीक है आप तय कर लो, आपको अगर ऐसी डिबेट चलानी है तो आइंदा से मुझे बुलाने की आवश्यकता भी नहीं। हर बार 5 सेकंड में फ्लो तोड़ देते हैं। देखिए, पहले तो मैंने इनको प्रूफ के साथ बताया कि एसडीपीआई के साथ गठबंधन के दो नेताओं ने इनकी बात की, इस पे कोई जवाब नहीं। कांग्रेस का अधिकृत ट्वीट आज भी है संप्रभु का लेकर, संप्रभुता को लेकर कर्नाटका के, उस पर कोई जवाब नहीं, अधिकृत है अनाधिकृत ट्वीट है। अब मैं कह रहा हूं बजरंग दल को छोड़ दीजिए, ये रहमान खान का पूरा वक्तव्य अपना, मैं चुप रख के रहमान खान का बयान सुना रहा हूं। तो मैं उसके ऊपर ये रिएक्शन, प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं बोलना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, इस प्राइम मिनिस्टर फॉर, अब वो ये करें कि पर्टिकुलर ये बात अगर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो सही बात नहीं है। अब अगर एक बूथ में आप किसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप सुनिए, जब लोग जोर जोर से पुकारते रहेंगे, 10 आदमी बूथ में रहते हैं, आप जोर जोर से पुकारते रहेंगे तो एक 2 माइनॉरिटी गए तो उनको
डर का माहौल होता है ना, तो इलेक्शन कमीशन को मैं बोला इलेक्शन कमीशन इसको नोट में लेना। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जय बजरंग बली के नारे से माइनॉरिटी डरता है, आपके तो आराध्य है ना, अब मुझे बताइए कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार, सुमति के संगी, आपकी मति क्यों मारी गई है? सुमति के संगी क्यों नहीं हो आप सुरेंद्र राजपूत, बताइए जरा। ये रहमान खान पर क्या कार्रवाई करोगे? ये रहमान खान आपकी नेता है या मुस्लिम लीग के हैं? हाँ जवाब ले ली, ये मुस्लिम लीग के आपके हैं? जवाब ले लो, जवाब ले लीजिए। विवेक भाई जवाब दे दूं? हाँ दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, दो चीजें बड़ी साफ साफ हैं। पहली बात तो फिर मैं SDPI की बात करता हूं कि 16 जगह पर, मैं ऑफिशियली कह रहा हूं, 16 जगह पर SDPI ने कांग्रेस के, जहां कभी कांग्रेस हारी नहीं, उन जगहों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। अगर इतने ही शहजाद भाई के सगे नाते वाले हैं तो वो 16 जगहों से हटवा दें, तब हमसे बात करें कि हमको समर्थन दे रहे हैं लोग। 16 सीटें वो हराना चाहते हैं और उसके बाद आप कह रहे हो कि क्या नाम, SDPI हमारा समर्थन कर रही है, हमारे पाटिल कौन है? ये तो ये बहुत क्लियर हो गया SDPI के बारे में। दूसरी बात, अब आप आ जाइए ना, हमें जो कहना पाटिल और परमेश्वर आपके नेता है नहीं है, थोड़ी कुछ कहें। दूसरी बात, वो पता नहीं आप कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा ले आते हो, वो आप, आपकी भानमती का कुंडवा जोड़ने की पुरानी आदत है, आज की आदत थोड़ी। परमेश्वर दलित। दूसरी बात, आप आ जाओ, जब आप बात करते हो बजरंग बली की, आप मुझे ये बता दो, प्रधानमंत्री जी की सभा में प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक के चुनाव से पहले किसी चुनावी सभा में, किसी जनसभा में कब बजरंग बली के नारे लगाए? किसने बजरंग बली पर इतना बड़ा आक्रमण किया? कर्नाटक से पहले, वो भी हमारे मैनिफेस्टो के बाद। रहमान खान जैसे व्यक्ति ने कभी आक्रमण किया? राजनीति कर रहे हो बजरंग बली के नाम पर, गदा पड़ेगी। रहमान खान ने क्या बोला, उससे अग्री करते कि नहीं करते? प्रधानमंत्री को भी गदा पड़ेगी बजरंग बली की, जो भगवान के नाम पर वोट मांगेगा वो भिखारी है। हनुमान की पूंछ में आग लगाएगा उसकी लंका को नष्ट करेंगे हनुमान जी। राहुल और रहमान खान ने आग लगाई ना पूंछ में, तो उनकी लंका को नष्ट करेंगे हनुमान जी। आप बताइए रहमान खान पर स्टैंड क्या? सुरेंद्र राजपूत, आपकी ये दशा है कि रहमान खान पर जुबान नहीं खुल रही आपकी? भगवान तुष्टिकरण का प्रकोप है इन पे, एक एक करके तुष्टिकरण का प्रकोप, एक एक करके तुष्टिकरण की बात करते हो, ठीक है? सुरेंद्र राजपूत जी, आपको शंकर अन्ना जी जब इतने मुद्दे दिखाई दे रहा है आपको, तो फिर ऐसे धार्मिक मुद्दों की आवश्यकता क्यों? शंकर अन्ना कुछ कहना चाह रहे जी, बोलिए। इसी 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 मच्छी मार्केट के स्टाइल के झगड़े से ही कर्नाटक के लोग त्राही हो गए इन दोनों पार्टी से। कर्नाटक तो की लोग बनाई थी, इतने नाराज है, आज ओपन कैंपेन खत्म हो रहा है तो दिल को तसल्ली मिल रहा है। नहीं तो जब भी टीवी का बटन ऑन करो, इधर से ये एक बोलते हैं, उधर से ये एक बोलते हैं। वैसे 13 के बाद आप किसके साथ जा रहे हैं जल्दी से बता दीजिए। दर्शक बड़ी बेसब्री से मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं JDS किस तरफ है। JDS कर्नाटक के लोगों की तरफ है और मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस है कि हमको सिंपल मेजोरिटी मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए। कुरुक्षेत्र के डिबेट में फिलहाल इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।